कोरोना वायरस के कहर ने मीठे आमों का धंधा किया फीका। महाराष्ट्र में हापुस आम के किसान मायूस। कोरोना वायरस की मार महाराष्ट्र के मशहूर आम हापुस पर भी पड़ी है, जिसकी वजह से आम की खेती करने वाले किसान मायूस हैं। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध आम हापुस दुनिया भर में निर्यात किया जाता है और दुनिया के तमाम देशों में हापुस आम की मांग अभी से शुरू हो जाती है। हापुस आम की खेती का ये ऐसा शुरुआती वक्त है जिसमें हापुस आम को दुनिया भर में निर्यात करके महाराष्ट्र के किसान सबसे ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के तमाम हिस्सों में निर्यात बंद हो जाने की वजह से आम की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तमाम गल्फ देशों में हापुस आम की सबसे ज्यादा डिमांड है, लेकिन विमान सेवाएं बाधित होने की वजह से हापुस आम का निर्यात नहीं हो पा रहा है। अगर हम सिर्फ नवी मुंबई मंडी की बात करें तो इस मंडी में रोज करीब 4000 आम की पेटियां निर्यात होने के लिए आती हैं, लेकिन विमान सेवा बाधित होने या फिर निर्यात में दिक्कत आने की वजह से इन आमों का निर्यात नहीं हो पा रहा है। इस वजह से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। दरअसल हापुस आम की फसल जब शुरुआत में बाजार में आती है तो उसके दाम ज्यादा होते हैं, जिसको आम आदमी को खरीदने में दिक्कत होती है। इसी वजह से इसे निर्यात के लिए ज्यादा बाजार में लाया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस के कहर ने आम के किसानों की शुरुआत में ही कमर तोड़ दी है, जिसकी वजह से वह बेहद निराश हैं।